أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله خير وأحسن تأويلا إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا اس کی خواہش ہے امیر ہے یا غریب فقیر ہے یا مالدار اس کے دل کے اندر ایک درد ایک خواہش ایک خیال وہ ضرور سر ابھارتا ہے کہ زندگی دنیا کی تو گزر رہی ہے گزر ہی جائے گی کاش اس زندگی کے بعد اللہ مجھے جنت کے اندر مقام عطا فرما دے ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ایک عضو ایسا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے جہنم میں بھی جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں دو چیزیں اس کی ضمانت مجھے دے دو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو دو چیزیں کیا ہیں فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی گارنٹی دے دو اس کی ضمانت دے دو اور ایک دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دو
अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स को जन्नत की गारंटी देते। इमाम आदम कायद आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है, ऐ अल्लाह के नबी जहन्नम में अक्सरियत किस वजह से जाएगी? जहन्नम में जाने वालों के गुनाहों की लिस्टों में से असबाब में से एक बड़ा सबब क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुबान और शर्मगाह, ये दो चीजें जहन्नम में जाने वालों के असबाब में से बड़ा सबब है। हजरत माद रजी अल्लाह अनवरदा, अल्लाह के प्यारे हबीब आपको दीन इस्लाम की तालीम देते हैं, अरकान इस्लाम इसका फजल, फिर जिहाद, जिहाद का इस्लाम के अंदर मकाम और मर्तबा, ये सारी बातें समझाने के बाद फिर एक जुमला कहते हैं, ऐ माज क्या मैं तुझे एक ऐसी चीज की खबर ना दे दूं जो तेरी इन सारी इबादतों की रखवाली करने वाली बन जाए, इन इबादात की मुहाफिज बन जाए, नमाज, रोजा, हज, जकात, सदका, जिहाद, रात की इबादत, इन सारों की रखवाली बन जाए, कि ऐसी चीज ना बताऊं? हजरत माज कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए वो कौन सी चीज है जो मेरी नमाजों की हिफाजत करे, मेरी इबादात की हिफाजत करे, मेरे जिहाद की हिफाजत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए माज अपनी इस जुबान को काबू रख, इस जुबान को कंट्रोल में रख, जिसने जुबान पे कंट्रोल कर लिया उसका दीन महफूज हो गया। हदीस में आता है, हर सुबह जिस्म के अज़ा जुबान से सवाल करते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह से डरती रहना, सीधी रहना, हम तो तेरे साथ हैं, अगर तू ठीक रही हम ठीक रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई हम टेढ़े हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद अपने जहनों में उतार लीजिए, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, मा यल्फिज़ु मिन कौल, इंसान अपनी जुबान से जो कहता है, जो मर्जी कह ले, अच्छा कहे बुरा, किसी को गाली दे, किसी की गीबत करे, किसी की चुगली करे, किसी पे इल्जाम लगाए, किसी के ऐब तलाश करके फिर लोगों में बयान करे, मा यल्फिज़ु मिन कौल इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, तुम अपनी जुबान से जो कुछ कहते हो, जो कुछ निकालते हो, अल्लाह के हां उसको लिखने वाला, महफूज करने वाला महफूज कर लेता। इस आयत को सामने रखिए और फिर अपने गिरेबानों में झांकिए, अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए, और फिर हर सुनने वाले को, मैं और आप अपनी मजलिसों पे गौर करें, मैं और आप अपने दोस्तों के साथ होने वाली मुलाकातों पे गौर करें, मीटिंग्स पे गौर करें, हमारी मजलिस किस नौयत की है? हमारी मजलिस का आगाज गीबत से, चुगली से, बोहतान से, इल्जाम से, झूठ बोलने से, झूठी बातें सुनाने से। कहीं चार दोस्त बैठे हों और एक ज्यादा बातूनी, ज्यादा बातें बुनाने वाला, वो ना आए तो हम क्या कहते हैं, आज तो जी बस बैठने का मजा ही नहीं आया। क्यों? वो फला नहीं आया, वो जब आता है मजलिस का रंग जम जाता, क्या मजेदार बातें करता, उसकी गीबत, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये किया, उसने ये किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और ये गीबत क्या है
जैसे अपने सगे भाई मरे हुए का गोश्त खाना। और यह बीमारी सिर्फ दुनियादार नहीं, नमाज पढ़ने वाले साथी, रोजा रखने वाले, हज करने वाले, इबादत करने वाले, लेकिन जुबान बस अल्लाह ही है, किसी को तौफीक दे तो कंट्रोल कर ले। इसीलिए इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे मुसलमान इस्लाम के दावेदार, लेकिन जुबान के मामले के अंदर कुछ लोगों की आदत इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी जुबानों से मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं रहती। कुरान हकीम के इस किस्से पे गौर कीजिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी, मुनाफिकीन ने लगाई, बेइल्मी में कुछ मुसलमान भी शामिल हो गए। इस बीमारी की, इस मुसीबत की, इस इल्जाम की, इस गुनाह की बुनियादी वजह यह जुबान, जुबान का चस्का। याद कर लीजिए, गुनाहों के दो बड़े सबब हैं, या जुबान का चटखारा या आंख का नजारा। ये दो बुनियादी सबब हैं गुनाहों के अंदर गिरने के। अल्लाह हम सबको इन असबाब से महफूज रखे। मालिक अज़्ज़ वजल फरमाता है, इज तलक्कौनहु बिअलसिनतिकुम, तुमने अपनी जुबानों से कुछ बातें कही, कुछ कलिमात निकाले, तकूलून बिअफवाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, अपने मुंहों से वो कुछ कहा जिसका तुम्हें कोई इलम नहीं था, जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं थी, कोई इलम तुझ तक नहीं पहुंचा था। वह तहसबूनहु हय्यिना, और तुमने उसको आम बात समझी, गपशप करते हुए आम बात। हम भी आम बात समझते हैं ना, जब दोस्तों की मजलिस में बैठ के किसी की गीबत करते हैं, और अगर कोई रोकने वाला रोके, भाई क्यों मुसलमान की गीबत करते हो, जवाब क्या कहेंगे? अजी मैं तो उसके मुंह पे कहने को तैयार हूं। तो अगर मुंह पे कह दिया जाए तो गीबत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी, हम जो अपने भाई के बारे में, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो उसके अंदर हो फिर भी गीबत है, वो बुराई उसके अंदर हो फिर भी गीबत है? फरमाया, अगर वो बुराई उसमें है तो गीबत, और अगर नहीं है तो उस पर तुम इल्जाम और बोहतान लगा रहे हो। ये नहीं कि तुमने कहा मैं उसके मुंह पे कहने को तैयार हूं, मैं कोई डरता हूं, मैं उसके पीछे बात करता हूं, मैं उसके मुंह पे कहने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मुसलमान की मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईने की दी। मुसलमान मुसलमान का आईना है। देखा, आईने से हमें सबक क्या मिलता है? आप आईने के सामने खड़े हो जाएं, आपके चेहरे पे स्याही लगी है, सबसे पहली बात कि आईना आपको फौरन बता देगा, नंबर एक। नंबर दो, आईना किसको बताएगा? सिर्फ मुझे। वो पड़ोसियों में से किसी को नहीं कहेगा, इधर आओ ये देखो, ये देखो इसका मुंह कितना काला है। वो सिर्फ अकेले मुझे मेरी असल तस्वीर बता देगा और मैं उसे साफ कर लूंगा। अगर हमारे किसी भाई में कोई गलती है, आप उसकी इस्लाह चाहते हो, उसको प्यार और मोहब्बत से एक तरफ ले जाकर कहो, भाई आपके अमल में ये गलती है, आपका ये मसला अल्लाह और उसके रसूल के मसले के खिलाफ है, अपनी इस्लाह कर लो, ये करोगे अजर और सवाब पाओगे। और अगर पब्लिक में, लोगों में, अवाम में उसका शोर करोगे, उसकी इज्जत पे हरफ आएगा, उस कलाम को सुनकर लोगों के दिल में उसके खिलाफ नफरत आएगी। फरमाया, गीबत क्या है? अपने भाई का ऐसी बात के साथ जिक्र करना जिसको जब वो सुने तो उसको बुरा लगे, जब वो उसको सुने कि आपके बारे में फला आदमी ने ये कहा, उसके दिल को दुख हो, ये गीबत है। यही हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके किस्से में लोगों ने कलाम किया, सिर्फ जुबान का चस्का, जुबान की बात। कुरान कहता है, वतहसबूनहु हय्यिना, तुमने इस बात को मामूली बात समझ लिया, अल्लाह के हां यह मामूली नहीं है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी एक सौकन के बारे में हल्का सा इशारा करते हुए हाथ का इशारा किया कि छोटे कद की ठिगनी, जुबान से नहीं बोली, सिर्फ हाथ का इशारा, जो हमारा मामूल है,
हमारा मामूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा अगर तेरी इस बात को उठाकर समंदरों के अंदर डाल दिया जाए, समंदरों का सारा पानी जहर वाला हो जाए। और हम आम वो उसको जानते हो कौन, वो काना, वो लंगड़ा, वो टूंडा, वो मोटा, आम बात है। जो रब उसको लंगड़ा कर सकता है वो तुझे नहीं कर सकता, जो उसकी आंख छीन सकता है तेरी नहीं छीन सकता। मजाक के अंदर, इहानत के अंदर, हकारत के साथ उसके ऐब का जिक्र करना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने मुसलमान बंदे के बारे में यह बात भी बर्दाश्त नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात कुछ लोग अल्लाह के नबी को दिखाए जाते हैं। सोचिए, कोई बंदा अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा हो, अपने जिस्म को छील रहा हो, कोई उसको अकलमंद कहेगा? सारा क्यों बेवकूफ अपने आप को मार रहा है, अपने जिस्म से खुद ही खून निकाल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की रात कुछ लोग दिखाए गए जिनके नाखून तांबे के और उन नाखूनों से वो अपना चेहरा और अपना सीना फाड़ रहे, छील रहे, खून बह रहा। आप कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन है? जवाब मिला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की इज्जत और आबरू के साथ खेला करते थे, उनकी गीबतें करते थे, उनकी चुगली करते थे। ये गीबत करने वाले कयामत के दिन इनका मकाम क्या है? इनके नाखून तांबे के बन जाएंगे और उससे अपने चेहरे और अपने सीने को छील डालेंगे। काबे की वो शान नहीं, काबे की वो इज्जत नहीं जो एक मुसलमान की इज्जत है। जुबान से निकला हुआ जुमला लौटा नहीं करता, इसीलिए जब जुबान से कुछ कहें सोच कर, तोल कर, ये तीर है जो निकल गया सो निकल गया। पहले तोलिए फिर बोलिए। हो सकता है ये जुमला आपको जन्नत के आला मकाम पर पहुंचा दे और हो सकता है यही जुमला आपको जहन्नम के गड़ों में फेंक दे। وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا। قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب دنیا کھڑی ہوگی, वूदी अल किताब मेरी और आपकी डायरी पेश हो जाएगी। अफसोस हमें दुनिया का डर है, रब की मुलाकात का डर नहीं है। अल्लाह हम सबके दिल में अपनी मुलाकात का डर पैदा फरमा दे। अब मुझे पता लग जाए कि मेरी ये तकरीर रिकॉर्डिंग हो रही है और ये कहीं किसी जगह पर चेक भी हो सकती है, तो मैं कितना सोच सोच कर बोलूंगा, है या नहीं, कि कोई ऐसा जुमला मेरे मुंह से ना निकल जाए जो कल को मेरे लिए परेशानी का सबब बने। हाय हाय, दुनिया का डर। और कुरान वबुदिअल किताब, आप अपनी जिंदगी में जो कर रहे हो, जो मर्जी करो, इजाजत है। कयामत का दिन होगा, आपकी और मेरी 70 साल की डायरी, 80 साल की डायरी, 90 साल की डायरी पेश कर दी जाएगी। फला दिन फला जमीन पे फला जगह खड़े होकर ये बंदा ये करके आया। फचर मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीही, मुजरिम जुर्म करने वाला, मुजरिम कोई खास नस्ल नहीं है कि हिंदू मुजरिम है, काफिर मुजरिम है, यहूदी मुजरिम है, ईसाई मुजरिम है, मैंने खतने करवा के अब्दुल्ला नाम रख के कलमा पढ़ लिया, ग्रीन मेरा इकामा बन गया, खलास अब मैं मुजरिम इनकी लिस्ट से निकल गया हूं, नहीं। मुजरिम जुर्म करने वाला, फतरल मुजरिमीन, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, दुनिया में जुर्म किए, ये कयामत के दिन उस अपनी डायरी नामा आमाल को देखेंगे और क्या कहेंगे, या वैलतना माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। ये कैसा नामा आमाल है, ये कैसी डायरी है, इसने ना हमारे छोटे गुनाह को छोड़ा ना बड़े को छोड़ा, सारी जिंदगी की करतूतें हमारी इस किताब के अंदर मौजूद है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफलिस कौन है? फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो। फरमाया, नहीं, ये मुफलिस नहीं। कहा फिर मुफलिस कौन है? कहा, सयाती रजुलुन, क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, माहु हसनात, नेकियों के अंबार होंगे, लेकिन उसके साथ साथ वरब हादा, शतम हादा, इसको मारा, इसको गाली दी, इसका माल दबाया, उसका कर्जा दबाया, उसके साथ ज्यादती की, उसकी गीबत की, उसकी चुगली की, उसकी इज्जत पे हाथ डाला, अल्लाह के दरबार में पेश हो जाएगा। जिन पर दुनिया में जुल्म किया आया, अजी मेरा एक मुरब्बा जमीन था, मैंने सारी अपने बेटों के नाम कर दी, बेटियों को मैंने उसमें से एक रत्ती भी नहीं दी, क्योंकि बेटियां तो पराए घर में जानी है ना, जमीन मेरी थी, अगर बहनों को हक देता पराए लोग ले जाते, बेटियों को देता पराए ले जाते, मैंने सारी बेटों को दे दी ताकि मेरी जायदाद मेरी नस्ल में बाकी रहे। ये एक मुरब्बा अपनी माँ की खोख से लेकर आया था या अल्लाह ने अता किया था? अगर रब ने अता किया था तो बहनों और बेटियों का हक किसने रखा है? क्यों मार के अपनी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बनाता है? लोगों ने उसके दामन को पकड़ा होगा, अल्लाह की तरफ सवाल लामा बुलंद होगा, अल्लाह इसने मारा था, इसने गाली दी थी, इसने गीबत की थी, इसने चुगली की थी, इसने मेरे पर झूठ बोला था, इसने झूठा इल्जाम लगाया था, इसने झूठी गवाही दी थी। वो अदल करे, वो अदल करे तो थर थर कांपे ऊंची शानों वाले, वो रहमत करे तो बख्शे जाए मुझ जैसे मुंह काले। वो दिन जो बदले का दिन अदल का दिन है, अल्लाह कहेगा बदला दे, वो कहेगा अल्लाह कहां से दूं, जमीन छीनी थी दुनिया होती तो जमीन दे देता, कर्जा दबाया था दुनिया होती तो दे देता, अब कहां से दूं? फरमाया, नमाजें तूने पढ़ी सवाब इसको दे दे, रोजे तूने रखे सवाब इसको दे दे, हज तू करता रहा सवाब इसको दे दे, सदके तू देता रहा सवाब इसको दे दे, कुरान तू पढ़ता रहा सवाब इसको दे दे। कुछ बदनसीब ऐसे होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, साइल मौजूद होंगे, सवाली मौजूद होंगे, अल्लाह कहेगा इनको भी दे। रब्बा अब तो पल्ले कुछ नहीं रहा, कहां से दूं, नेकियां भी बट गई। कहा, गुनाह ये करते रहे, सजा तुझे मिलेगी। मुफलिस होने से बचिए, अपनी जुबान को कंट्रोल कीजिए, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। इस जुमले को बोलने से पहले 7 दफा तौलिए, यही जुमला मेरे लिए निदामत का सबब ना बन जाए। वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो एक जर्रे के बराबर नेकी करेगा क़यामत के दिन उसका भी उसका बदला मिल जाएगा, और जो एक जर्रे के बराबर बुराई करेगा क़यामत के दिन वो भी उसका बदला अपने सामने पा लेगा। इसीलिए एक अल्लाह के वली कहते हैं, मैं 10 साल से एक काम करने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझे कि पता नहीं कितना बड़ा काम है, ये 10 साल से हज की ट्राई मार रहा है, क्या करना चाह रहा है, और कहा भी और कोशिश कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है मैं ये काम कर गुजरूंगा। शागिर्द कहता है, इमाम वो काम कौन सा है? कहा, वो काम ये है, अपनी जुबान से वो जुमले निकालूं जो मुझे फायदा दें, और जिन जुमलों का मुझे फायदा ना हो मैं उन जुमलों को अपनी जुबान से अदा ही ना करूं। अजी आप कैसी सूखी और रूखी बातें करते हैं, हम जब तक गुनगुना ना लें, जब तक गाने ना गा लें, जब तक 2-4 डायलॉग ना बोल लें, हमारा तो खाना नहीं हजम होता। मौसीकी रूह की गजा है ना, जब तक वो 2-4 गाने गाते हैं फिर नींद आती है, उससे पहले नींद ही नहीं आती। तो 2-4 गाने गाने की बजाय तू 2-4 दफा सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह देता, अल्लाह हू अकबर क्यों नहीं कह लेता, अल्लाह की हमद और सना क्यों नहीं कर लेता, कि वो गंदे जुमले हो सकता है तेरे लिए क़यामत के दिन निदामत का सबब बने, और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दी ही कहने से अल्लाह तेरे लिए जन्नत में दरख्त लगा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हुक्म देते हैं, सुनिए, और यह हुक्म सहाबा तक रुक नहीं गया, पूरी उम्मत के लिए है। मन काना युमिन बिल्लाह, बड़ा शदीद हुक्म है, मन काना युमिन बिल्लाह, जिसका अल्लाह पर ईमान है, वबिल यौमिल आखर, और क़यामत पर ईमान है। कोई है मुसलमान जिसका अल्लाह और क़यामत पर ईमान ना हो? सबका है।
तो सबके लिए हुक्म सुनिए क्या है। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं फल यकुल खैरन, वो जब भी जुबान से जुमले निकाले खैर और भलाई की बात करे या फिर खामोश रहे। क्यों जी, गालियां देना खैर भलाई की बात है? गीबतें करना, चुगलियां करना खैर और भलाई की बात है? लोगों पर इल्जाम लगाना, तोहमतें लगाना, उनके गंदे नामों से पुकारना खैर और भलाई की बात है? फरमाया अगर अल्लाह पर कयामत पर ईमान है तो जब जुबान को हिलाओ खैर की बात निकालो, और अगर खैर की बात जुबान पे नहीं है तो तुम्हारे लिए खैर इसी में है कि खामोश बैठे रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खामोश हो गया फजूल कलाम से, फजूल बातों से, वो निजात पा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़ाई के वक्त एक दूसरे को गाली देने वाले दोनों शैतान। हमारे यहां लड़ाई होते ही, इख्तलाफ होते ही मां बहन की गाली, फला की गाली, फला की गाली। फरमाया उस पर लानत है जो अपने मां बाप को गाली दे। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम, कोई अपने मां बाप को भी गाली दे सकता है? कहा वो किसी के बाप को गाली देता है, वो जवाब में इसके बाप को गाली देता है, तो अपने बाप को गाली देने का सबब कौन बना? अपनी मां को गाली देने का सबब तू फला का बच्चा, वो कहता है तू फला का, तो अपने बाप को गाली देने का सबब ये बना। और जो अपने बाप को गाली देने का सबब बने उस पर अल्लाह की लानत है, और जो बीवी के पीछे लग के मां को डायरेक्ट गालियां देना शुरू कर दे उस पर क्या होगा? यह जुबान इंसान को जहन्नम में भी ले जा सकती है, और यही जुबान इंसान को अल्लाह की जन्नतों में भी ले जा सकती है। दुनिया में सबसे बड़ी गाली, दुनिया में याद कर लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ी गाली अल्लाह को गाली देना है। कहेंगे अल्लाह को गाली कैसे दी जाती? हदीस में आता है लोग जमाने को गाली देते हैं और जमाना तो मैं हूं। गंदा दौर, गंदा वक्त, गंदे अय्याम, वक्त ही पैड़ा आ गया जी, दौर ही गंदा आ गया। नहीं, दौर वही है, अल्लाह वही है, आसमान वही है, जमीन वही है, इस दुनिया में रहने वाले बदल गए। और अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो अल्लाह को गाली देता है। और जुल्म इतना बढ़ चुका है कि आज रब को गालियां रब की मस्जिद में खड़े होकर दी जाती हैं। नहीं सुना आपने, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, ये सुना या नहीं सुना? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नूर का आप टुकड़ा हैं, अल्लाह के नूर का जुज्व हैं, आप अल्लाह के नूर में से निकले हैं। जो अल्लाह का टुकड़ा बनाए, अल्लाह का जुज्व बनाए, अल्लाह की आल औलाद बनाए, वो अल्लाह को गाली दे रहा है। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन वतनशक्कुल अर्द वतखिरुल जिबालु हद्दा अंदउ लिर्रहमान वलदा। अल्लाह का बेटा बनाना, अल्लाह के नूर में से नूर बनाना, अल्लाह की आल औलाद बनाना, अल्लाह में से किसी को निकालना, धमाधम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, अली दमदम के अंदर अल्लाह अली में आ गया। तौबा तौबा तौबा, अली नू खुदा अखने हा, ना खुदा ना खुदा तो जुदा अखने हा। हमारे अली मौला अली मुश्किल कुशा ना खुदा है ना खुदा से जुदा है। ये गाली किसको दी जा रही है? अल्लाह को। क्योंकि कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ना मौला अली खुदा में हलूल करा है, ना रसूलुल्लाह अल्लाह में हलूल करते हैं, ना अल्लाह हजरत अली के अंदर और हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हलूल करते हैं। जो अल्लाह के साथ किसी को फना फिल्ला का अकीदा रखे वो अल्लाह को गाली देता है। मौला जिक्रिया फजाइल सदकात के अंदर लिखते हैं तबलीगी जमात के अमीर, ए अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क है, तू मेरा साझी मैं तेरा साझी, तू मेरा शरीक मैं तेरा शरीक। जो अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखे कि अल्लाह मुझ में से निकला है, मैं अल्लाह में से निकला हूं, मैं और अल्लाह कुछ नहीं हूं बल्कि जो अल्लाह है वो मैं हूं, ये अकीदा रखना अल्लाह को गाली देना है। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह कितने हैं? यही कुफर तो ईसाइयों का था, वो कहते थे हमारे तीन हैं। यही कुफर यहूदियों का था, वो कहते थे दो हैं। और यही कुफर आज मुहर्रम के अंदर पीटने वाले करते हैं, करते हैं नहीं करते? वो कहते हैं ली खमसा उत्फी बिहा हर्रल वबा मुस्तफा मुर्तवा वबनी हुमा वल फातिमा, मेरे पंजतन पाक मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा कौन है?
जो अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा समझे, अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा, मददगार, गरीब नवाज, बंदा नवाज, दाता, बरी करने वाला, रिजक देने वाला, लजपाल, कश्तियां पार लगाने वाला, अल्लाह के अलावा किसी और को समझता है, वो शिर्क करते हुए अल्लाह को गाली देता है। अल्लाह कहता है إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله। ऐ नबी इनसे कहो अगर अल्लाह मुश्किल में डालना चाहे कोई मुश्किल कुशाई कर सकता है, और जब रब मुश्किल कुशाई करना चाहे सारे मक्के वाले मारने के लिए इकट्ठे हो जाए मोहम्मद को अपने घर से कोई रोक सकता है नबी? लेकिन ये क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं, मेरे पंचतन पाक मुश्किल कुशा है मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, ये पांच मिलके मुश्किल कुशाई करते हैं। ये अकीदा रखना अल्लाह की तौहीद में शिर्क करना है, और जो शिर्क करता है वो अल्लाह को गाली देता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना ये दूसरा बड़ा गुनाह कायनात के अंदर, दूसरी बड़ी गाली मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन करना। और लोग करते हैं या नहीं करते हैं? ये हमारे हाथ के अंदर इन्हीं मुहर्रम में पीटने वालों की किताब है। किताब का सफा नंबर 292, किताब का नाम मनहजुस सादिकीन फी इल्जाम अल मुखालिफीन, और इसको अली अकबर गफारी सैयद अबुल हसन मुर्तजवी ने शाया किया है, लिखा है, शाया किया है। किताब फरोशी इल्मिया इस्लामिया ईरान ने। इस किताब का सफा नंबर 493 है। 493 पर वो रिवायत लेकर आए हैं, सुनिए रसूलुल्लाह को कैसे गाली दी जा रही है। कहता है मन तमत्ता मर्रतन काना दर्जतुहु कदर्जतिल हुसैन व मन तमत्ता मर्रतैन फदर्जतुहु कदर्जतिल हसन व मन तमत्ता सलाथ मर्रातिन काना दर्जतुहु कदर्जति अली बिन अबी तालिब व मन तमत्ता अरबा मर्रातिन फदर्जतुहु कदर्जति। जिसने एक मरतबा मुता किया, एक मरतबा मुता करने वाला हुसैन के मकाम पे पहुंच जाता है, दो मरतबा मुता करने वाला हसन के मकाम पे पहुंचता है, तीन मरतबा मुता करने वाला अली के मकाम पे पहुंचता है, जो चार मरतबा मुता कर ले वो मोहम्मद के मकाम पर पहुंच जाता है। जिना करना जिसको खैबर के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लम ने अल्लाह की वही से हराम करार दिया था, उस मुता को जो मुता नहीं जिना है, उस जिना के बारे में कहा जाए जो चार दफा जिना करे वो मोहम्मद के दर्जे को पहुंच जाता है, ये मोहम्मद को गाली नहीं तो और क्या है? तीसरा बड़ा जुर्म इस जुबान की हलाकतों में से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बाद प्यारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के अस्हाबे किराम को गाली देना। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन सब असहाबी फअलैहि लानतुल्लाह। मन सब असहाबी, जो मोहम्मद के सहाबी पर लानत करे उसको गाली दे, अबू बकर पे, उमर पे, उस्मान पे, अली पे, तरहा पे, मुआविया पे, जुबैर पे, जो असहाबे किराम पे लानत करता है, गाली देता है, उस पर अल्लाह की लानत हो, वल मलाइका फरिश्तों की लानत हो, वन्नास अजमईन और सारी दुनिया वालों की लानत उस पे हो जो मोहम्मद के सहाबा को गालियां देता है। गालियां देना तो बहुत छोटी बात है, ये हमारे हाथ के अंदर है, इन्हीं हजरात की किताब सफा नंबर इसका याद कर लीजिए, एक तो गाली देता है और एक उनके ईमान का इनकार कर देता है। जो सहाबे किराम के ईमान का इनकार करे उससे बड़ा जालिम दुनिया में। ये हमारे हाथ में किताब है अनवार अन्नुमानिया, जिसके राइटर सैयद नेमतुल्लाह अल-जज़ायरी, ये भी ईरान से शाया हुई है। इस किताब का सफा नंबर 81 है। 81 पर लिखता है ارتد الناس كلهم بعد النبي الا اربع سلمان وابو ذر والمقداد وعمار وهذا مما لا اشكال فيه کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے سوائے چار کے، سلمان بچے، مقداد بچے، عمار بچے،
अबू जर बचे, इन चार के अलावा कोई मुसलमान ना बचा जो मोहम्मद के सहाबा को काफिर कहता है। रब्बे मोहम्मद की कसम, इस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, कायनात की लानत है। ये जुबान की हलाकते हैं। मेरे नबी के असहाबे किराम की इज्जत पे हाथ डालना, मेरे नबी के असहाबे किराम की तकफीर करना, यह इस जुबान की तीसरी बड़ी हलाकत है। तकफीर तो बड़ी दूर की बात है, आइए कुरान हकीम की आयत पे गौर तो करें। अल्लाह के नबी तबूक से वापस आ रहे हैं, तबूक से आते हुए मजमा लगा हुआ, कुछ लोगों ने बात करते हुए नबी के बड़े बड़े सहाबा के बारे में कहा, हमने इनसे बड़ा पेटू नहीं देखा, इनसे बड़ा बुजदिल नहीं देखा, इनसे बड़ा बातूनी नहीं देखा, इनसे बड़ा लड़ाई के मैदान में भागने वाला नहीं देखा। और ये बैठे हुए कौन है? काफिर नहीं, मुसलमान। और बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े असहाबे किराम के बारे में। एक अंसारी कहता है, अल्लाह की कसम तूने झूठ कहा, मैं अभी रसूलुल्लाह सल्लम को इसकी इतला देता हूं। ये अंसारी अल्लाह के नबी के दरबार में नौजवान बाद में पहुंचता है कि आसमान वाला जिब्राइल को पहले उतार देता है। आइए जरा कुरान की आयत को सुनिए, वला इन सअलतहुम लयकूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूज़ु व नलअब। ऐ नबी, इनको बुलाकर पूछो तुम मेरा सहाबा के बारे में ये जुबान दराजी क्यों कर रहे थे। जवाब में कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नखूज़ु व नलअब, हम तो वक्त गुजारी के लिए, टाइम पास करने के लिए, गप शप करते हुए हमने ये जुमले कहे, हंसी और मजाक के मूड में कहे, हमने दिल से नहीं कहे, हम दिलो जान से ये कीदा नहीं रखते। कुल, अल्लाह का वादा सुनिए। अल्लाह कहता है, नबी कहो इनको, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़ून। उन्होंने सहाबा के बारे में गलत बात कही थी ना, और रब क्या कहता है सहाबा की बात को अपने ऊपर लेते हुए, कुल नबी कहो इनको, अबिल्लाह के अल्लाह के साथ, व आयातिहि उसकी आयात के साथ, व रसूलिहि उसके रसूल के साथ, कुंतुम तस्तहज़ून, तुम मजाक करते हो। उन्होंने मजाक सहाबा पर किया, लेकिन रब ने क्या कहा, तुम अल्लाह के साथ, आयात के साथ, रसूल के साथ मजाक करते हो। सुनो, ला तअजिरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, अब माजरत ना करो, ईमान लाने के बाद सहाबा को गालियां देकर तुम फिर काफिर हो चुके हो। ये जुबान इंसान की बर्बादी का बहुत बड़ा सबब है। ऐसे ही लानत रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, लानुल मोमिन का कत्ली, मोमिन पर लानत करना ऐसे जैसे उसे कत्ल कर देना। और ये बीमारी भी हमारे यहां आम है, खास तौर पे हमारी औरतों को अल्लाह हिदायत दे उनमें तो बहुत ही आम। छोटी सी बात, लानत तेरे पर, फिटे मुंह तेरा, फिटकार है तेरे पे, डूब मर जा। जानवरों पर लानत, बच्चों पर लानत, नौकरानियों पर लानत, फिटे मुंह, कुछ नहीं होगा तो यूं कर देंगे, पंजाबी में खल रही थे, क्या है। सुनिए कितनी खतरनाक बात है, हम तो मजाक करते हैं ना, टाइम पास करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह लानत आसमान की तरफ बुलंद होती है। लानत का मतलब क्या है? तर्दुम मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से फिटकार और दूरी। यह आसमान की तरफ बुलंद होती है, फिर उस आदमी की तरफ मारी जाती है जिस पर लानत की गई है। अगर वो उसका मुस्तहक है तो बात खत्म हो गई, अगर उसका मुस्तहक है तो बात खत्म होगी, उस पर पड़ गई। और अगर उसका मुस्तहक नहीं है तो जिसने उस पर लानत की वो लानत वापस उसी पे आकर पलटती है। जिस पर लानत की जाए करने वाला या जिस पे की जा रही है, दोनों में से एक लानती जरूर बन जाता है। हदीस में आता है, बनी इसराइल का एक शख्स बड़ा नेकोकार, जुबान की हलाकत, इस जुबान को कंट्रोल कीजिए, इस जुबान को लगाम दीजिए, जो इससे बोलते रहेंगे वो खेती क्यामत के दिन हमें काटनी पड़ेगी। बड़ा नेक, बड़ा तहज्जुद गुजार, और एक आदमी बड़ा गुनहगार, ये नेक उसको समझाता रहा, आखिर तंग आकर कहने लगा, अल्लाह तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। जुबान का जुमला है, अल्लाह तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। हदीस में आता है, अल्लाह ने उस आबिद को पकड़कर उस गुनाहगार को माफ कर दिया। तू कौन होता है मेरी रहमत को अपनी मुट्ठी में बंद करने वाला।
तो जो बोलना हो सोचिए, उसकी दलील तलाश कीजिए और फिर बोलिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फरमाते हैं, इस आदमी की जुबान का एक जुमला इसकी आखिरत को बर्बाद कर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतों का जिक्र होता है। अल्लाह के नबी, एक औरत है बड़ी नेक है, बड़ी सदका खैरात करती है, बहुत हाजन नमाजन परहेजन है, लेकिन जुबान से अपनी पड़ोसन को बहुत तंग रखती है। फरमाया जाओ और इसको जहन्नम की खुशखबरी दे दो। कहा अल्लाह के नबी, दूसरी औरत है, फर्ज नमाजें फर्ज रोजे फर्जी फर्जी काम करती है, नफल सदका खैरात बिल्कुल नहीं करती, लेकिन जुबान की इतनी अच्छी है, जुबान की इतनी अच्छी है कि उसके पड़ोसी उससे बहुत खुश रहते हैं। फरमाया जाओ और इसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। क्यों? इन्ना समअ वल बसर, ये आंख ये कान ये मुंह, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, ये आजाद नहीं है जो मर्जी करते रहो। क़यामत के दिन इनके बारे में अल्लाह के दरबार में आपसे और मुझसे सवाल होगा। इन सारे दलाइल को सामने रखिए, अल्लाह के लिए आइए, जरा मैं और आप अपनी मजलिसों पे एक नजर डालकर तो देखें। क्योंकि अहले ईमान की निशानी कुरान क्या बयान करता है, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, اہلِ ایمان فضول محفلوں سے, فضول پروگراموں سے, فضول لغو گفتگو سے دور رہتے ہیں۔ کیوں جی؟ جو انڈین فلم آتی ہے یا پاکستانی فلم آتی ہے وہ تو ماشاءاللہ, میرے خیال اس میں تو بہت ذکر و اذکار اور نصیحت اور خیر کی باتیں ہوتی ہوں گی نا۔ جن بھائیوں نے کمرے میں ڈش انٹینے لگائے ہیں ماشاءاللہ, ان کا لمحہ تو ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا, وہ 24 گھنٹے تہجد کی حالت میں رہتے ہیں نا۔ سوچ لیجیے اور اللہ کے لیے سوچ لیجیے, کیونکہ قرآن حکیم بڑی عجیب بات کہتا ہے, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, زیادہ باتیں کرنے میں خیر نہیں ہے, بھلائی نہیں ہے, زیادہ سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی کس بات میں ہے؟ ہاں, سوائے اس کے جو نیکی کا حکم دے, جو صدقے کی بات کرے اور جو لوگوں میں اصلاح کی بات کرے۔ دو دوست ناراض بھی ہونا تو اس کے پاس جا کر کے, یار وہ تو تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, اسے جا کر کہو یار تجھے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے یاد کرتا ہے, یہ تو اصلاح کر رہا ہے۔ اور جو کہ مینو پتا ہے آج تینوں گالاں کڈ رہے سی, مجھے سارا پتا تیرے خلاف تو اس کا دل میں بڑی نفرت ہے, ہائے ہائے۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص آیا, دروازہ بجایا, کہا فلاں مجلس کے اندر آج تمہیں گالیاں دی گئی ہیں۔ اس نے کہا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا مجھے یہ پیغام دینے کے لیے اور ہمارے درمیان لڑائی کروانے کے لیے۔ پھر کھجوریں لی, انہیں پیک کیا, اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ وہ بڑا حیران کہ میں تو اس کو اس فلاں مجلس میں گالیاں دے کر آیا تھا, یہ کھجوریں لے کر آیا۔ اس نے کہا کیوں, یہ کھجوریں کیوں لائے ہیں؟ کہا تو نے جو مجھے گالیاں دی ہیں فلاں مجلس میں, تو نے اپنی قیمتی نیکیے مجھے دی نا, تو میں چاہتا تھا کہ تجھے اس احسان کا بدلہ دوں, تو میں نے سوچا کہ کچھ کھجوریں تجھے دے دوں اس کے بدلے میں, تو نے اپنی نمازوں کی نیکی مجھے عطا کر دی۔ یہ ہے کرنے کا کام, یہ ہے سوچنے کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان سے گزرے, فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب کسی بڑی بات میں نہیں, اس کو یہ بڑا نہیں جانتے تھے, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, پیشاب کے چھینٹوں سے۔ پینٹ پہنی ہوئی, آگے زپ لگی ہوئی ہے, اب جہاں ضرورت ہوئی وہ زپ کھولی, دھار ماری, اب اس سے کتنے کپڑے خراب ہوئے, کتنے جوتوں پہ چھینٹے آئی, جتنے کپڑوں پہ چھینٹے آئی, اس کی کوئی بات نہیں۔ کہا اگر شلوار قمیض پہنوں گا تو ہر کوئی کہے گا پتہ نہیں کوئی دیہاتی سے, اور اگر ٹائی شائی لگا کے بابو بن کے رہوں گا تو بالکل فٹ فاٹ رہوں گا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ قبر میں عذاب پا رہا ہے, اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا چغل خور تھا, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگائی بھجائی کا کام کرتا تھا, دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس آئے, دیکھا ابو بکر نے زبان پکڑی بھی اور اس کو مار رہے, سزا دے رہے۔ کہا اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے عمر, اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے, اس زبان کی وجہ سے۔ سوچو یہ ابو بکر اور عمر کا حال ہے, میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر بن خطاب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین کی غیرت میں اگر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم یہ کفار کی سارے شرطیں تسلیم کرتے جا رہے ہیں, کیا آپ سچے نبی نہیں ہو؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی کتاب سچی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر کہا عمر, میں صرف محمد ہی نہیں ہوں, محمد الرسول اللہ بھی تو ہوں۔ عمر فرماتی ہے میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی وفات کے وقت روتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے اس زبان کی
निकले हुए जुमलों के कफारे के तौर पे इतनी नेकियां की, इतने अमाल किए कि अल्लाह मेरी जुबान से निकले हुए उन जुमलों को माफ कर दे। हालांकि वो जुमले ईमान और गैरत के अंदर इस्लाम की अहमियत के ऊपर ही निकले थे कि हम कुफार की सारी बातें क्यों माने, और तो कोई मसला नहीं था। लेकिन कहते हैं मैं उसके कफारे के तौर पे एक लंबे अरसे तक अमल करता रहा कि कहीं अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी उन गलतियों को माफ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, और ये हदीस बड़ी गौर तलब है, सुनना जरा। हर भाई से दरख्वास्त करूंगा जरा अपने दिल के निहाल खानों को खोल कर, कानों पे पड़ी हुई बड़ी वजनी चादरें फिल्में देख देख कर, गाने सुन सुन कर पड़ी हुई, उसको हटाकर जरा ये हदीस रसूल दिल में उतारो। आपने फरमाया, एक शख्स एक बात कहता है अपने दोस्तों को हंसाने के लिए कि वो कहका मार के छट्ठा मार के, जी बड़ी गल की थी जी, बड़ा मजा आया जी, क्या नुक्ते की बात की, क्या बेहतरीन लतीफा सुनाया, हंसाने के लिए लोग उसकी बात पे कहका मार के हंस पड़ते हैं। फरमाया कि वो लोग तो उसकी बात सुनकर हंसते हैं, अल्लाह इसको ऊंधे मुंह करके जहन्नम के अंदर फेंक देता। आपकी और मेरी मजलिसों में लतीफे चलते नहीं चलते? पठानों के लतीफे, सिखों के लतीफे, अराइयों के लतीफे, इंडियन बैठेंगे तो पाकिस्तानियों के लतीफे, पाकिस्तानी बैठेंगे इंडियनों के लतीफे, कोई बंगालियों के, कौमों की गीबत। एक तो था एक आदमी की गीबत, ये पठान होते ही ऐसे, ये पंजाबी होते ही ऐसे, ये पाकिस्तान कुल्लू पाकिस्तानी कैसे, कुल्लू इंडियन, ये पूरी पूरी कौम की गीबत है, पूरी कौम की। और कुरान कहता है कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो इनसे ज्यादा अच्छे हो और अल्लाह के यहां उनका मकाम मर्तबा ज्यादा हो। हजरत मास कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लम, क्या जुबान की वजह से भी लोगों को अदाब होगा? फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम पाए जहन्नम में, अक्सर लोग ऊंधे मुंह इसी जुबान की वजह से ही डाले जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाह बयान किए और फिर झूठी गवाही, शहादत जोर झूठी गवाही बयान की, यह भी जुबान की हलाकत है। दोस्ती बरकरार रखने के लिए, खानदान वालों को केस जितलाने के लिए है, केस जितलाने के लिए, पता है ये झूठ है, नहीं जी नहीं, मैं इसने वाकई कत्ल किया, मैं मौके पर मौजूद था। और अल्लाह भला करे, अल्लाह रहम करे हमारा, हमारी अदालतों के बाहर तो 100-100 रुपए के अंदर बिकने वाले गवाह, वो केस पिंडी में हुआ और ये रहने वाला मुल्तान का, अल्लाह की कसम मैं उठ ही खलोता सा, 100 रुपए लिए जेब में डाला, गवाही दी, घर चले गए। और कयामत के दिन इस झूठी गवाही पर अल्लाह के दरबार में जब सवाल होगा तो फिर आपके और मेरे पास, और ये मामला वहीं तक खत्म नहीं, मैं और आप अपनी मामूल की जिंदगी चेक करें, कितने मामलात हैं जहां पर हम झूठी गवाही देते हैं दोस्त बचाने के लिए, भाई बचाने के लिए, किसी और का दुनिया का मामला ठीक करने के लिए अपनी आखिरत के मामले को खराब कर लेते हैं। हजरत हसन फरमाते हैं, जो ज्यादा बोलता है इसका झूठ भी ज्यादा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जुबान से कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसका मुझे फायदा ना हो। इमाम शाफी के बेटे फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद को कभी ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं देखा, जब किसी से गुफ्तगू भी करते तो बड़ी धीमी अंदाज में गुफ्तगू करते। वो आप इसमें गुफ्तगू करते धीमी अंदाज में, और हमारे इंडिया पाकिस्तान की मस्जिदों में चले जाओ, मस्जिदों में कितना शोर शराबा कह के हैं, शोर शराबा एक जगह पे रह गया, ये तो इंसानों की आवाजें हैं। अब हमारी मस्जिदों का हाल देख लो, और हर भाई जिसकी जेब के अंदर जवाल है वो जरा अपने गिरेबान में झांक ले, लेटेस्ट इंडियन फिल्म का जो गाने की ट्यून बनकर आएगी सबसे पहले 20 रियाल देके उसी को मैं अपने मोबाइल में डालवाऊंगा। इधर इसने अल्लाह अकबर शुरू की, इधर इसकी मोबाइल के अंदर गाने की बेल बजनी शुरू हो गई। ये अल्लाह का घर, ये तो अल्लाह का घर है, कुरान की तलावत के लिए, नमाज की अदायगी के लिए, अल्लाह के जिक्र अज़कार के लिए, और यहां पर आपके और मेरे मोबाइल की जब गानों की बेल बजती है, बताइए ये काम हमें जन्नत में लेकर जाएगा या हमारी बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा? अल्लाह के लिए अपने मोबाइलों में अल्लाह से डर जाओ। हर वो मुसलमान जिसको अल्लाह के नबी सल्लम की शरीयत का पास और तकाजा है, अपने मोबाइल से गानों वाली बेल को खत्म करके आम सादा बेल भरो, और जब मस्जिद में जाओ, अजान हो, मस्जिद की तरफ चलो, सबसे पहले मोबाइल निकालो और बंद कर दो। और अगर गलती से कभी भूल भी जाओ तो जो आपको नमाज के वक्त पे फोन कर रहा है, लाजमी बात है वो बेनमाजी होगा ना, अगर वो नमाजी होता तो खुद भी किसी मस्जिद में होता, तो उस बेनमाज की क्लास तो लो कि तुझे शैतान ने यही मौका दिया है फोन करने का। और एक और गलती हम करते हैं, फोन बज रहा है नमाज पढ़ रहे हैं, कि अगर मोबाइल निकाल के बेल बंद कर दी तो नमाज खराब हो जाएगी, हैं?
और जो बैल बजने से 10 बंदों की नमाज खराब हो रही है उसका गुनाह किसके खाते में पड़ेगा? अगर गलती से बैल बज भी जाए तो फौरन उसको बंद कर दो। रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस सुनिए और बहुत बड़ी खुशखबरी है अहले ईमान के लिए। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लम ने, दो इंसानों में झगड़ा हो जाए, दो मुसलमानों में किसी बात पे झगड़ा हो जाए और झगड़े के अंदर एक सच्चा है एक झूठा है, जो सच्चा है उसका हक बनता है अगर वो सिर्फ झगड़ा खत्म करने के लिए अपने उस हक से दस्तबरदार हो जाए कि ठीक है यार झगड़ा ना कर, ठीक है तूने मेरे 100 रियाल देने थे, मेरा हक बनता था, तू झगड़ा ना कर, छोड़ ना दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जन्नत में उसको चबूतरे की गारंटी देता हूं। क्या ख्याल है, किसी बंदे को सूद के पैसे दो कि भाई ये सूद के पैसे हैं खा पी ले, 1000 रुपए लेगा कोई? क्योंकि सूद का सबसे छोटा गुना क्या है? मां से बदकारी, सूद का सबसे छोटा गुना। और पता है सूद का सबसे बड़ा गुना, इन्नार रिबा, सबसे बड़ा गुना सूद का यह है मुसलमान भाई की गीबत की जाए। मुसलमान भाई की गीबत सूद खाने से ज्यादा बड़ा गुना है, मां की बदकारी से ज्यादा बड़ा गुना है। और क्यामत के दिन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं सूद खोर के हाथ में नेजा दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा हारब रब्बक, अपने रब से जंग कर। गीबत से बचने के तरीके, आइए कुरान हकीम बयान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीन आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, बुरे ख्याल से बचो। यार इसके पास गाड़ी आई कहां से आई भाई, हलाल तरीके से कमाई तो अल्लाह बरकत दे, हराम से कमाई तो ये जाने रब जाने तूने ठेका लिया भाई। स्टार्टिंग यहीं से होती ना, अच्छा बड़ी गल है, अच्छा ये जन है, ये सोच है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इन्ना बादा जन्नी इस्म, अल्लाह कहता है यही सोचे तो गुनाह है ना, यही गुनाह की तरफ ले जाती है। सोच आई फिर वाला तजस्सुस, मैं देखूं तो सही इसने कोठी कहां से बनाई, मैं देखूं तो सही इसने गाड़ी कहां से ली। अब ये जासूसी करनी शुरू कर देता है, है? अब ये जासूसी शुरू करता है। अल्लाह कहता है वला तजस्सुसु, जासूसी ना करो। और जब जासूसी हो जाती है फिर कहता है इधर आओ मैं तुम्हें बताऊं, मैंने पूरी कहानी देख ली, पता लग गया, आओ 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 मैं बताता हूं, इसने वहां डंडा मारा, वहां ये किया, वहां से धोखा किया, वहां फ्रॉड किया। अब ये क्या है, गीबत है। पहले सोच आई, फिर जासूसी की और फिर गीबत शुरू की। कुरान शुरू में मना करता है ईमान वालों जो गलत ख्यालात को दिल में पैदा ना करो, ख्याल पैदा हो जाए वला तजस्सुसु, जासूसी ना करो। वला यक्तब बअज़ुकुम बअज़ा, और फिर अपने भाइयों में एक दूसरे की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमूह, तुम पसंद करोगे अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाओ? कोई पसंद करेगा? कभी नहीं पसंद करता। लेकिन गीबत के अंदर जुबान में इतना चस्का और चटकारा है, हम पता क्या कहते हैं, अजी बात करनी तो नहीं चाहिए, बात करनी तो नहीं चाहिए लेकिन, लेकिन करके वो सारी गीबत कर दे। करनी नहीं चाहिए पता है, लेकिन अब लेकिन के बाद पूरी गीबत हो जाएगी। गीबत से बचने का तरीका क्या है? हजरत मैमून फरमाते हैं कि ना तो मैं किसी की गीबत करता हूं, नंबर एक। नंबर दो, अपनी मजलिस में किसी की गीबत करने की इजाजत नहीं देता। 10 बंदे बैठे हैं, 11वें बंदे की बात शुरू हो, मैं कहता हूं भाई चुप, बात करनी है तो अपनी 10 की करो, जो बंदा हमारे दरमियान है ही नहीं उसकी बात करने का फायदा? का एक दफा रोकता हूं, दो दफा रोकता हूं, तीन दफा रोकता हूं, अगर चौथी दफा वो करने लगे तो उनकी मजलिस छोड़ के अपने घर चला जाता हूं। क्या ख्याल है, जब हम में से कोई ऐसा करेगा तो दोबारा हमारी मौजूदगी में कोई गीबत करेगा? ओ यार चुप करो, किसी की बात ना करो, ये आ रहे हैं ना, अगर हमने किसी की बात की यार अच्छे भले नाराज होकर चले जाएंगे, मजलिस छोड़ जाएंगे। ये गीबत से बचने का तरीका, ना करो ना करने दो, और अगर बाज ना आए तो फिर उसको छोड़कर चले जाओ। क्यों? जो जुबान से निकलता है अहसाहुल्लाहु व नसू, हम तो उसको निकाल के भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह के दरबार में उस तमाम चीजों को लिख दिया जाता है। हजरत हसन फरमाते हैं गीबत मोमिन के दीन को ऐसे खा जाता है जिस तरह बीमारी इंसान के जिस्म को खा जाती है। लोगों की गीबत करने वाला अपने दीन से हाथ धो बैठता है। बाज सलफ में से उलमा कहते हैं जब किसी को देखो अपने ऐबों को भूलकर वो लोगों के ऐब तलाश करने में मशगूल हो जाओ तो फिर समझ लो चंद ही दिन के बाद ये अपने दीन से हाथ धो बैठेगा। अब आप कहेंगे शाह साहब आपने सारी बातों से रोक दिया, अब हम करें क्या? आखिर वक्त तो पास करना है, सफर है, सफर पे जा रहे हैं, जुमेरात को इकट्ठे हुए, कचहरी हुई, अब करें क्या? तो अपने इन वक्तों को कीमती तरीन काम में गुजारो अल्लाह के जिक्र के अंदर। कैसे? रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया के दिन के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं दिन के अंदर 100 मरतबा अल्लाह से माफी मांगता हूं, इस्तगफार करता हूं।
बजाय गप्पे मारने के हम इस्तगफार करें। सोचिए जो गीबतें करते हैं मजलिसों में, कभी उसने अल्लाह से इस्तगफार भी किया? इसकी बजाय करने का काम क्या है? सुबहानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, जो इसको एक मर्तबा कहता है उसके लिए जन्नत में एक खजूर लगा दी जाती है। 2-3 सेकंड में अल्लाह की जन्नत में आपके लिए खजूर लग जाती है। और जो 100 दफा कहता है सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही, इसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, अगरचे इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी क्यों ना। तो अपनी सुबानों को कंट्रोल कीजिए, अल्लाह के कुरान की तलावत में वक़्त गुजारिए, जिक्र और अज़कार में वक़्त गुजारिए। किसी भाई की बुरी बात अच्छी बात है, खैर के साथ उसका जिक्र कीजिए, और जब बुरी बात से उसका जिक्र करें तो उसके ऊपर पर्दा डालो। आज मैं और आप अपने मुसलमान भाई के ऐब पर पर्दा डालेंगे, हो सकता है क़यामत के दिन अल्लाह मेरे और आपके ऐब को पूरी कायनात के सामने बयान करने की बजाय उस पर पर्दा डाले। अल्लाह तो हमारे गुनाहों पर पर्दे डाल दे, अल्लाह तो हमारी खताओं पे पर्दे डाल दे, अल्लाह तो हमारी सियाहकारियों पे पर्दे डाल दे। अल्लाह हमें जिंदा रख इस हाल में कि तू हमसे राजी हो, हमें मौत दे तो इस हाल में कि तू हमसे राजी हो। अकूलु कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। खाना खाते वक्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना गलत है, इस मौजू पे कोई रिवायत है तो पेश कीजिए। मेरे इलम में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने खाना खाते हुए सलाम करना या सलाम का जवाब देने से मना फरमाया हो। लगता है किसी पेटू मौलवी की बात है, क्योंकि सलाम का जवाब देने के लिए खाने से हाथ रोकना पड़ेगा, 2 लुक में हार जाओगे सामने वाले से। ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो बहुत छोटी बात है। आप नमाज की हालत में हो और कोई आकर बाहर से सलाम अलैकुम कहे तो क्या हुक्म है? इशारे से जवाब दे दो, जब नमाज के अंदर जवाब दे सकते हैं तो यहां क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, हमारे इलम में ऐसी कोई रिवायत नहीं है, वल्लाहु अलम। रूह क्या है? कुरान हकीम के अंदर भी ये मसाला मौजूद है कि आपसे रूह के बारे में पूछेंगे तो बता दीजिए रूह अम्र रब्बी है, अल्लाह का हुक्म है। और हम मुसलमान हैं, मुसलमान कौन होता है कि जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए उसको मान लेते हैं, उसको कुरेदना हमारे जिम्मे, हमने कुरेदना नहीं है। जितना कुरान और हदीस में आ गया रूह अल्लाह का हुक्म, देखो अब यही जिस्म है ना, अब ये अल्लाह का हुक्म है, रूह मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, जुबान भी हिल रही है, आंखें भी हिल रही हैं, पूरा जिस्म हरकत कर रहा है, और इसमें से जब रूह निकल जाती है यही जिस्म होता है, यही हाथ, यही आंखें, यही कान, और फिर वो टस से मस भी असंजा करा दो तो हो जाएगा खुद ब खुद, खुद ब खुद। कुछ लोग हैं जिनका खुद भी खुद हो जाता है, हाँ हाँ कुछ हैं जिनका खुद ब खुद हो जाता है। मौलाना जिक्रिया साहब फ़ज़ाइल आमाल के अंदर एक बुजुर्ग का जिक्र करते हैं कि वो लेटे हुए थे, तख्ते पे लिटाया हुआ था उनको नहलाने के लिए, नहलाया दौलाया कफनाया, जब कब्र में रखा उसने आंखें खोल दी, अंगूठा पकड़ लिया, अस्तंजा करवाते हुए ना आंखें खोली ना अंगूठा पकड़ा, कब्र में उतार के फिर आंखें भी खोल ली अंगूठा पकड़ लिया। कहा साहब मुझे छोड़ दो, मुझे पता है आप मरे नहीं हो, सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल किया है, तो दूसरे मानों में ड्रामा कर रहे थे ना, मरे नहीं तो ड्रामा कर रहे थे। अगर जो कब्र में लेट के अंगूठा पकड़ सकता है वो शर्मगाह पे जब हाथ 4 बंदों का लग रहा था उस वक्त खुद इस्तंजा क्यों नहीं कर सकता? ये रूह निकल जाए तो ये जिस्म डेड बॉडी है। ये रूह क्या है? मुझे और आपको इलम नहीं दिया गया, इतना इलम है कि ये अल्लाह का हुक्म है बस। कुर्बानी का गोश्त हिंदू को दे सकते हैं या नहीं? मेरे इलम में नहीं है, वल्लाहु आलम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।